दोस्तों, अपने काम से प्यार करना हर इंसान की क्वालिटी नहीं होती। दुनिया में कई ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने काम से प्यार नहीं करते, उन्हें लगता है वो तो दुनिया का सबसे मुश्किल जॉब कर रहे हैं। वहीं इसके विपरीत कुछ लोगों में ये शानदार जज्बा होता है कि वो हर चीज को स्वीकार कर लेते हैं और उसे आसान बनाने की कोशिश करते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, When life gives you lemons, make lemonade। यानी जब भी आपकी जिंदगी में मुश्किलें आए तो उनका भी लाभ उठाइए। आज हम कुछ ऐसे ही वर्कर्स की बात करने वाले हैं जो अपने काम को परफेक्टली करने की चाहत रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रही आज की हमारी पहली वीडियो। हमें पूरा यकीन है आपने आज तक किसी को सड़क पर ऐसा काम करते हुए नहीं देखा होगा। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि ये सड़क पर आई दरारों को भरने का काम है। ये काम बेहद ही आसान है और देखने में भी काफी मजेदार है। आप इसे जितना भी देर देखोगे बोर नहीं होगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी शायद ऐसी ही आसान जॉब करना चाहोगे। कभी कभी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और बार बार उनकी पोजीशन चेंज करना काफी इरिटेटिंग काम हो जाता है, और अगर आपको ये काम रोजाना करना पड़े तो गुस्सा आना लाजमी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसे कामों में मजा आता है, क्योंकि वो इस काम को आसान बनाने के लिए कोई ना कोई नया तरीका इजाद कर ही लेते हैं। अब इस शख्स को ही ले लीजिए जो गैस सिलेंडर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए बेहद ही अनोखा तरीका अपना रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ट्रैवलर बैग मूव कर रहा हो। इसे कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल कर काम को आसान बनाना, जो हर किसी को नहीं आता। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी अगली क्लिप आपको बेहद रिलैक्स कर सकती है। बस आपको इस वर्कर को फोम स्प्रे करते हुए देखना है। जो लोग दिन के 10 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठते हैं उन्हें ये जॉब काफी रिलैक्सिंग लग सकती है। देखने वालों के लिए स्प्रे इंसुलेशन एक बढ़िया टाइम पास साबित हो सकता है। कंस्ट्रक्शन की दीवारों पर फोम स्प्रे करना दुनिया के बेहतरीन जॉब्स में से एक लगता है। ऐसे अजीब और गरीब सब्सटेंस के साथ काम करना बेहद ही अलग एक्सपीरियंस है जो कुछ लोग ही समझ सकते हैं। अब जो क्लिप हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उस तरह का काम आपने किसी को भी तेजी से करते हुए नहीं देखा होगा। वीडियो में दिख रहा है कि शख्स अपने हैंड मूवमेंट्स की मदद से प्लास्टिक में हवा भर के उसे बंद कर रहा है। ये वीडियो देखने में जितनी दिलचस्प लगती है उतनी ही नायाब है। लोगों के लिए बलून फुलाना या फिर बलून में हवा भरना तो आम बात है, लेकिन किसी प्लास्टिक के बैग में हवा भर के उसे पैक करना, वो भी बिना किसी मशीनरी की सहायता के, ये काफी अलग और अनोखा है। इस आदमी को प्रोफेशनलिज्म के प्रो लेवल पर देखा जा सकता है। कुछ लोगों को घर की दीवारों में ज्यादा खिड़कियां चमकाने में मजा आता है, क्योंकि उन्हें साफ शीशे देखने में एक अलग ही फीलिंग मिलती है। लेकिन जो क्लिप हम आपको दिखाने वाले हैं उसमें इस आदमी का प्रोफेशन ही विंडो क्लीनिंग का है, और ये आदमी उस काम को शानदार तेजी के साथ करता है। लोगों को इस तेजी के साथ शीशे चमकाते हुए देखना काफी अलग है, क्योंकि ये एक आम काम है, लेकिन ये जिस तरह से किया जा रहा है वो काफी दिलचस्प और रोमांचक है। खैर, अब अमेजिंग काम की बात आ ही गई है तो कुछ और क्लिप्स भी देख लेते हैं जो इससे भी ज्यादा अमेजिंग है। इस बात से तो हर आदमी वाकिफ होगा कि रेजर का इस्तेमाल करते हुए हमें कितनी सावधानी बरतनी पड़ती है। हालांकि बाल काटने वाले बार्बर्स को इस काम में महारत हासिल होती है, लेकिन जब नौसिखिए लोग बाल काटते हैं तो उन्हें अपने हर मूव को सोच समझ कर करना पड़ता है। बार्बर्स के हाथ शेव करते हुए ऐसे काम करते हैं जैसे उनसे कभी कोई गलती हुई ही ना हो। आप जरा इसकी टेक्निक तो देखिए, ये अपने हाथों को कितने फास्ट तरीके से मूव कर रहे हैं। कोई भी अनुभवी आदमी इस तरह से काम कर सकता है। जब आप एक ही काम को हर दिन करते हैं तो कुछ समय बाद उससे बोर होना लाजमी है। ऐसे में अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए आप कुछ नया सोचते हैं ताकि आपकी काम में दिलचस्पी बने रहे। कुछ ऐसा ही इस गार्डनर के साथ भी हुआ जो अपने काम से बोर हो चुका है और उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वीड वैकर का कितना बढ़िया इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, ये वीड वैकर घास को साफ करने का काम कितनी फुर्ती से कर रहा है। ये घास के किनारों को काट कर उन्हें परफेक्ट शेप में ला रहा है, और ऐसा करने में गार्डनर को बिल्कुल भी एफर्ट लगाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। सच कहें तो वीड वैकर से काटे गए किनारे मैन्युअली किए गए काम के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर लग रहे हैं। इसे कहते हैं हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क, जो हर किसी के बूते की बात नहीं है। पिज्जा खाना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन हर कोई पिज्जा बनाने या काटने के काम में प्रोफेशनल नहीं होता।
अब जरा इस आदमी से मिल लीजिए जो एक नए लेवल का पिज्जा मास्टर है। इतनी फुर्ती के साथ पिज्जा को डिवाइड करते हुए आपने क्या कभी किसी और को देखा है? जरूर आपका जवाब होगा ना। इतनी फुर्ती के साथ पिज्जा को पैन से निकालना और फिर परफेक्ट साइज में डिवाइड करना, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स के बस की बात नहीं होती बॉस। ऐसा लगता है कि पिज्जा कटर अपने आप ही काम कर रहा है, इसे किसी तरह की मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग इस कटर से पिज्जा काट चुके हैं वो जरूर जानते होंगे कि ऐसा करना कितना मुश्किल होता है। खैर, आज आपको इस वीडियो में एक बेहतर लेसन मिलने वाला है। ये देखकर आप सीख सकते हैं कि एक बार में दोनों हाथों का इस्तेमाल करके पिज्जा को कैसे काटा जा सकता है। कुछ लोगों के पास ऐसा टैलेंट होता है जिसके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता है। ये औरत इन्हीं स्किल्ड प्रोफेशनल्स में से एक है। देखिए ये कितने अनोखे स्टाइल में चपाती बना रही है। आटे की रोटियां बनाने के बजाय ये पूरे डो को पहले नीचे तवे पर डाल रही है, फिर उसमें से एक्स्ट्रा आटे को निकाल रही है। ये प्रक्रिया देखने में जितनी मजेदार और आसान लग रही है ना, असल में ये है उतनी ही मुश्किल। इस तरह का काम करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस और परफेक्शन की जरूरत होती है, जो समय के साथ ही आता है। इस तरह की चपाती बनाने के लिए स्पेशल टेक्निक की जरूरत होती है, जो केवल ये महिला ही जानती है। क्या कभी आपने किसी शेफ को पेस्ट्री या केक बनाते हुए देखा है? अगर देखा होगा तो आप जरूर समझ जाएंगे कि एक एक्सपीरियंस्ड पेस्ट्री शेफ पाइपिंग बैग से केक पर बेहतरीन डिजाइन उकेरता है। ये उनका सबसे बेस्ट टैलेंट होता है, लेकिन हर शेफ इस काम को संभल कर करता है क्योंकि स्पीड से करने पर केक खराब होने का खतरा बना रहता है। लेकिन अब जरा इस शेफ से मिलिए जिनकी स्पीड और एक्यूरेसी कमाल की है। डिजाइन बनाते हुए केक पर इनके हाथ मक्खन की तरह काम कर रहे हैं। इतने सटीक अंदाज में डिजाइन क्रिएट करने के लिए खूब सारी प्रैक्टिस लगती है, और यही वजह है कि इस क्लिप को देखने में आपकी और हमारी दिलचस्पी बढ़ रही है। साथ ही केक का डिजाइन भी निखर कर सामने आ रहा है। गार्डनर्स अपने पौधों को सजाने के लिए अक्सर उनकी कटाई और छटाई में लगे रहते हैं। एक स्किल्ड गार्डनर जानता है कि अपने हेजेस को कैसे परफेक्ट बनाना है। हालांकि आज के समय में इस काम को करने के लिए मशीन्स आ गई हैं, लेकिन पहले इसको मैन्युअली ही किया जाता था। आज इस काम को करने के लिए हमारे पास मशीन्स हैं जो सभी पौधों को परफेक्ट साइज में काटना जानती हैं। इसी का नतीजा है कि ज्यादातर काम हमें इसी मशीन से होते हुए दिखाई देते हैं। देखने वालों के लिए ये मशीन काफी मजेदार हो सकती है क्योंकि इसमें सभी पौधे एक ही अलाइनमेंट में कट रहे हैं। अगर आप भी गार्डनर प्रोफेशन से हैं तो ये काम आपकी लिस्ट में टॉप पर होना चाहिए। तो ये थी कुछ ऐसी जॉब्स जो बोरिंग ना होकर काफी दिलचस्प हो गई। इनमें से कई काम तो देखने में बेहद आसान लगते हैं, लेकिन उन्हें करने के लिए बरसों की मेहनत और एक्सपर्टीज लगती है। इसीलिए तो कहते हैं कि हर चीज को परफेक्ट करने के लिए वक्त और मेहनत दोनों लगती हैं। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से घंटी वाला बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।